क्वेश्चन फिफ्थ ऑफ एक्सरसाइज 2.9, विच इज ग्रेटर, इंडेक्स नंबर 4 रूट 5 और इंडेक्स नंबर 3 रूट 4। दोनों के इंडेक्स नंबर डिफरेंट है तो हम बता नहीं सकते कि कौन सा ग्रेटर है। तो सबसे पहले हमें इसका इंडेक्स नंबर सेम करना पड़ेगा। इसका इंडेक्स नंबर है 4 और इसका इंडेक्स नंबर है 3, तो हम निकाल लेंगे एलसीएम ऑफ 4 एंड 3। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12। अब इस एलसीएम का यूज करके हम इन दोनों के इंडेक्स नंबर को इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे? 4, अब यहां पर इंडेक्स नंबर मैंने 4 की जगह लिख दिया 12, लेकिन इसको और इसको डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड करके आएगा 4 3 जर वो इसकी पावर बन जाएगी। ये हमारे पास बन गया 12 125। ठीक है, इसी तरह दूसरे वाला था हमारे पास 3, इसका भी हम इंडेक्स नंबर 12 लिखेंगे और पावर क्या लगेगी? 3 4 जर। ये 12 को 3 से डिवाइड करा, 4 है 3 4 जर और यह पावर लग जाएगी और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 256। दोनों के इंडेक्स नंबर सेम है। अब दोनों के इंडेक्स नंबर सेम है तो अब हम बता सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो इसमें ग्रेटर कौन सा है? 256। 256 किसका था? कौन से वाले का था? जिसका इंडेक्स नंबर 3 था। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, 3 4 इज ग्रेटर।